जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगे। सारा खुर्रम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज लेके अवेयरनेस के लिए। मेरा जैसे कि मकसद आप लोगों को अपनी नॉलेज एक्सपीरियंसेस शेयर करना और उसके साथ साथ जो है आप लोगों को फ़ायदा देना है। तो आज एक बहुत ही अमेजिंग सा मैसेज है और वो है अवेयरनेस मैसेज। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस इमोशनल एड। आपने हमेशा सुना होगा वी मस्ट हैव फर्स्ट एड किट इन आवर होम। फर्स्ट एड किट के बारे में तो सबको पता है, लेकिन व्हाट अबाउट इमोशनल एड, व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ। वी मस्ट हैव इमोशनल एड एज वेल। हम कई बार ऐसा होता है कि हम जो है लो फील करते हैं, एनजाइटी में आते हैं, तो वो सारी हमारी मेंटल हेल्थ पे जो है असरअंदाज होती है। तो मेंटल हेल्थ को खुद से टैकल करना सीखें पहले, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ थेरेपिस्ट के पास जो है थेरेपी करवाएं। इमोशनल एड का भी बहुत ख्याल करें, और उसके साथ साथ फ्री योर सेल्फ फ्रॉम जर्नलिंग। लाइक जो भी आपकी थॉट हैं, जो आपको बुरी लग रही हैं या जो आपको परेशानी दे रही हैं, आप उसको लिख लें, जो भी आप महसूस करें। और लिखने के बाद जो है आपका माइंड ऑटोमेटिकली कई हद तक रिलैक्स होने लगता है। तो आपने करना ये है कि इमोशनल एड का ख्याल रखना। ना सिर्फ आप अपने घर में जो है फर्स्ट एड किट रखें, बल्कि इमोशनल एड का भी ख्याल रखें और अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, क्योंकि ये ज़िंदगी हमें अच्छे गुजारने के लिए मिली है और ये हमारा काम है और हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे गुजारते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मैसेज जो है काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर तो लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि जो है जब भी मैं इस किस्म की अवेयरनेस वीडियोज़ या अवेयरनेस कैंपेन चलाऊँ तो आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह see you in my next video. Till then, take care of yourself, take care of the people of your surrounding. As I always say, I'll see you in my next video. Allah Hafiz.